नमस्कार, मैं हूं चंदू सुजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। पिछले दिनों कठोर नाके पर नेपाली महिला के साथ हुई मारपीट, जिसकी दखल मानवाधिकार आयोग ने ली। गाड़गे नगर पुलिस की हमारी एक पुलिस फाइल चल ही रही थी, उसी के साथ ये कठोर नाके पर महिला के साथ हुई मारपीट की घटना ही। वापस हम चलते हैं मोहन विश्वकर्मा की तरफ। गाड़गे नगर पुलिस किस प्रकार किसी पे अत्याचार और अन्याय करती है, एक सामान्य नागरिक को किस प्रकार उसके साथ में व्यवहार कर करके उसको अपराधी घोषित कर देती है, यह पूरी कहानी, यह फिल्मी कहानी नहीं है। आपने फिल्मों में अक्सर सुना होगा कि किसी एक सीधे साधे व्यक्ति को पुलिस इस प्रकार से टॉर्चर करती है कि बाद में वो अपराधी बन जाता है। तो अपराधी निर्माण करना, अपराधी बनाना, उसके ऊपर कुछ ऐसी धाराएं लगा देना जिसके कारण उस व्यक्ति के पास में अपराध करने के अलावा कोई पर्याय नहीं रहता, ऐसी ही एक कहानी। मैं पिछली बार भी हमारे यहाँ 3-4 5 एपिसोड चले थे मोहन विश्वकर्मा वेलकम पॉइंट के, जो मराठी में थे। मैं आपको आज हिंदी में बता रहा हूँ। मोहन विश्वकर्मा यह सिटी न्यूज चैनल का खुफिया पत्रकार है, यह बात गाड़गे नगर पुलिस को मालूम है। मैं शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूं और मुख्य धारा पे आऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी सारी आपके पास में इसके पहले ये एपिसोड में आप देख सकते हैं। ड्रग्स की शिकायत करता है, वो शिकायत पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस स्टेशन उसकी न्यूज नहीं लगाती, उसके साथ मारपीट होती है, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश होती है, पुलिस वो न्यूज नहीं लगाती है, सिटी न्यूज के माध्यम से वो न्यूज लगाती है। उससे गुस्सा होकर गाड़गे नगर पुलिस ने मोहन पे वहां से अत्याचार शुरू कर दिए। मेरी भी चर्चा हुई थी व्हाट्सएप पे वहां के थानेदार गिरमे साहब से कि भाई ये न्यूज, मैंने न्यूज पोस्ट की थी तो उन्होंने उस न्यूज को रिप्लाई किया, मैं उसके स्क्रीनशॉट भी आपको बता दूंगा। उस न्यूज को रिप्लाई किया कि मैंने इसकी कंप्लेंट दर्ज कर ली। 2 दिन पहले मामला दर्ज होता है, जब सिटी न्यूज द्वारा न्यूज लगाई जाती कि पुलिस ध्यान नहीं दे रहा, उसके बाद में अपने खुद के कर्मचारी को फिरियादी बनाकर वह न्यूज लगाई जाती है, वो केस दर्ज की जाती है। फिर मैंने कहा था कि साहब वह मामला वापस हुआ, यानी मारपीट का मामला वापस हुआ, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं, किरकोड़ था, मोहन कमीशन मांग रहा था, जो आप सारे इस पे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, मोहन कमीशन मांग रहा था। मैंने वापस पूछा किस चीज का कमीशन, क्या गांजे वाले से कमीशन मांग रहा, तो बोले नहीं, बस में जो सीटें भर रही उसका कमीशन। मैंने कहा उसका धंधा बात, फिर वहां पे शायद साहब को भी टोका गया कि ग्रुप पे यह संवाद नहीं करना चाहिए, उसके बाद में ग्रुप पे वह संवाद बंद हो गया। कुछ और संवाद है जिसके स्क्रीनशॉट और एक अलग से आपको उसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या क्या संवाद उन्होंने कहा। उसके बाद में मेरी भी चर्चा हुई गिरमे साहब से, तो गिरमे साहब ने कहा कि वो ऐसा ऐसा था, मैं आज वहां की सारी दुकानें उठा दी, तो मतलब अवैधता हटाइए, उसमें मुझे कोई ये नहीं और मुझसे कोई पूछने का ये भी नहीं, ऐसी कुछ चर्चा हुई उनसे। उन्होंने उस दिन सारा का सारा अतिक्रमण वहां से हटा दिया और हटाते समय ये कहा कि सारा मोहन विश्वकर्मा कारण है ना, वहां के जितने भी वो काम धंधे वाले छोटे 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 रोजगार वाले थे वो मोहन विश्वकर्मा के सारे दुश्मन बन गए और पूरी की पूरी अपनी एक बदमाशों की टीम वहां पे तैनात कर दी। क्योंकि पुलिस स्टेशन का और बदमाशों का संपर्क रहता ही रहता है, गांव का कोई भी बदमाश या गुंडा ऐसा नहीं है कि जो पुलिस के संपर्क में नहीं है, पुलिस की जानकारी में नहीं है और पुलिस की बात ना मानता हो। मोहन विश्वकर्मा से उसका पूरा जो 25 साल से जमा जमाया धंधा था, धंधा यानी कैसा, घूमने का काम है, लोग आते हैं, संपर्क करते हैं, मुझे जाना है, उनको फिर गाड़ियों में बैठा था, गाड़ी को जो देते हैं, जो भी कमीशन मिलता है, ये काम वहां पे चलते रहता है। उसके बाद में मोहन विश्वकर्मा को गिरमे साहब ने फोन पर बुरी तरीके से धमकाया। फोन का पूरा संवाद मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। मोहन साहब नमस्ते, मैं सकाड़ी है, तो साहब सकाई आने की जरूरत नहीं है, नहीं वहाँ के दादा के दादागिरी करेगा नहीं, बस में घुसो, इसमें घुसो, उसमें घुसो। तुम्हारी सुनो जरा, सुनो मेरी बात जरा। हाँ बोलो साहब। तुम्हारे दो बच्चे पंचोटी केयर, वहाँ दो बच्चे, 4 बच्चे तुम संभालते हो, दादा करते घूमते हो, मेरे को ये कमीशन होना, ऐसा वो नहीं चलेगा, समझे क्या? नहीं साहब। अभी तुम्हारा जोड़ा टपरी फिपरी से भाकड़ दिया मैंने,
हाँ ना साहब, वहाँ कोई एजेंट बिठा के दिया तो मैं पे लात मारूंगा, कोई भी एजेंट हो। ओके सर। हाँ तुम वहाँ थे, तुम भी बैठोगे तो पे लात मारूंगा। देखा दिन भर में पूरे टपरी दिखाई क्या वहाँ पे एक भी? हाँ तुम 4 बजे आए तो मैं नंगे करके मारूंगा वहीं भी, तुम्हारे लड़के भी, तुम्हारे किसी के भी हो, ठीक है ना। मेरे को वहाँ चेंगड़ नहीं होना। नहीं नहीं साहब, तुम्हारा क्या धंधा करना है करो, मेरे को वहाँ चेंगड़ नहीं चाहिए। नहीं साहब, हमारा जो लॉगिंग है ना, आप जो टिकट बनाते ना जैसा, वो गड्ढे में गया वहाँ, वो लॉगिन बिगिन कुछ नहीं, वहाँ तुम्हारा ऑफिस नहीं है, तुम कहीं भी जाके बैठो ऑफिस, वहाँ से काम करो। नहीं नहीं, वहाँ वो एजेंट की एजेंट के करने का नहीं, वहाँ पे साहब मैं क्या हो रहा है, एजेंट की नहीं, हमारी जो टिकट बुक होती तो आप से होती बुकिंग हमारे घर से होती है, तो हम घर से होती कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ आने का नहीं, जमा करने को कमीशन के सर, वहाँ सीट बिठाने बिठाते ना हम सर, बिठाते लेकिन तू कमीशन मांगते हैं लोगों को। टिकट के जो पैसे मिलते हैं वो टिकट तुम एजेंट ऑफिस से ले लो। साहब सवारी जो बिठाते ना उसको तो कमीशन लेते साहब हम। हेलो, वो मेरे को होशियारी मत समझे ना, तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी नौकरी है मेरी, तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी नौकरी है मेरी, तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी नौकरी है मेरी। नहीं साहब, मैं क्या मैं ज्यादा, मेरे को दिन भर में पता किया तुम्हारा तुम्हारा तरीका क्या है मेरे का, तो मैं ना उनको न छोड़ूंगा, तुमको किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे को ज्यादा तन करेगा नहीं तो मारा नहीं, मेरे को शोर नहीं सुनने का। मैं बोला तुम सवेरे 4 बजे आते हो, 12 बजे तो वहाँ रहते हो, मुझे मालूम है। 11 बजे रहता था। हाँ सब मालूम है मुझे साहब, मेरा वहाँ कोई भी दिखा एजेंट तो मैं जोड़ने वाला हूँ, कोई भी तुम्हारे साथ कोई भी एजेंट हुआ, मैं दोपहर को पूरी गाड़ी जमा देखा ना, पूरा साफ किया था गाड़ी वहाँ के, वहाँ पे कोई तुम्हारा टपरी बिपरी तुम्हारा जो पूरा हकाल दिया मैंने। अभी 9 बजे जाके 4 बसेज में जमा किया, वहाँ एजेंट है सबको हकाल दिया, पता चला ना, देखा ना मैंने। अब सवेरे आऊंगा मैं 4 बजे, जो दिखेगा ना कुत्ते से मारूंगा वहीं पे, जो दिखेगा ना कुत्ते से मारूंगा वहीं पे, जो दिखेगा ना कुत्ते से मारूंगा वहीं पे, ठीक है। अभी आपने सुना कि किस प्रकार एक पुलिस अधिकारी जो वहां पे जिसका 20 सालों से स्थायी व्यवसाय है, वो व्यवसाय के बारे में कि वहां पे यदि तुम दिखे भी, बहुत सारी गालियां हैं जो हम आपको चैनल के माध्यम से नहीं दिखा दे, एक अधिकारी के मुंह से, आम नागरिक बोलता है गुंडा बदमाश बोलता है समझ में आता, एक अधिकारी के मुंह से किस प्रकार, और वहां पहुंचे तो क्या करूंगा ये उन्होंने बताया, और ये सारी चीजें उन्होंने करके दिखाई। जितनी बार भी मोहन वहां गया, 15 दिन में 8 दिन में एक बार पूरी तरीके से मारा तो मारा, और जिसने मारा पुलिस तो नहीं मारती वहां पे, उन्होंने अपने लोग पाल के रखे हुए, उनके साथ में वहां शायद बिजनेस शेयरिंग भी, उसमें कई गांजा विक्रेता है, कई जो मोहन का धंधा था वो बस का धंधा वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों के साथ अभी 3 तारीख को करंट में, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट था उसके 1 दिन पहले भी वहां पे मोहन कौर मार गया। इस सारे किस्से आपको पूरे डिटेल के साथ में कि किस किसने इसमें मध्यस्थता की, आयुक्त तो महोदय ने क्या मध्यस्थता की, दोनों DCP ने मिलकर क्या मीटिंग ली, क्या निर्णय हुआ, उस निर्णय के बाद में भी क्या हुआ, निर्णय गाड़गे नगर पुलिस ने माना, गाड़गे नगर PI ने माना नहीं, गाड़गे नगर PI पुलिस आयुक्त और दोनों DCP से भी ऊपर है उनकी कोई बात नहीं मानता, ये मैं आपको अगले एपिसोड में फिर बताऊंगा। आज आपने देखा कि किस प्रकार एक पुलिस अधिकारी ने एक वहां पे नॉर्मल व्यवसाय करने वाले को वहां से उसका व्यवसाय छीनकर असामाजिक तत्वों के हाथ में दे दिया। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, अगले एपिसोड में किस प्रकार मोहन विश्वकर्मा को पूरी की पूरी तरह अपराधी घोषित करना और उसको अपराध में लिप्त कर देना, इसकी साजिश पूरी की पूरी इन्होंने की, अगले एपिसोड में आपके साथ में फिर आऊंगा।